नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अखिलेश साहू और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लड हेमेटोलॉजी जो हमारा टॉपिक था उसके तहत हम लोग आज जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो पहले पार्ट को मैं थोड़ा सा समरी कर दे रहा हूँ। उसमें हम लोग ने जाना कि ब्लड है क्या, ब्लड के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों ने खोज की और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह रुधिर का हल्के पीले रंग का और हल्का सा क्षारीय, साफ पारदर्शक एवं निर्जीव अंतराकोशीय मैट्रिक्स या आधारभूत तरल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स और ग्राउंड फ्लूइड होता है। यह रुधिर का 55% भाग होता है, शरीर के भार का 5%, 70 किलो के मनुष्य में लगभग 3.5 लीटर होता है। इसमें 91% जल, शेष आपका जो 9% उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में और कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आदि के फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और आयोडाइड कम मात्रा में आयनों के रूप में रहते हैं। इन्हीं के कारण रुधिर हल्का क्षारीय होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा में इनकी मात्रा 7-8% लगभग 300 ग्राम होता है। ये यकृत में बन करके रुधिर में मुक्त होते हैं। सभी रुधिर प्रोटीन गोलाकार होते हैं एवं जल में घुलनशील होते हैं। ये प्लाज्मा के जल में कोलाइड्स के रूप में होते हैं, अतः ये प्लाज्मा के जल को 4-5 गुना अधिक गाढ़ा बना देते हैं और इसकी परासरणी दाब का नियंत्रण करते हैं। इनमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन छोटे परंतु प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 55% भाग होते हैं। ये परासरणी दाब का नियंत्रण करते हैं, कोशिका और उत्तकों में जल का नियंत्रण करते हैं और कुछ हार्मोन्स जैसे कि आपकी दवाई हो गई और कुछ ऐसे चीजों का संवहन करने में भी सहायता करते हैं। ग्लोब्यूलिन्स परासरणी दाब को बनाए रखने में तथा पदार्थों के संवहन में सहायता करती है। कुछ ग्लोब्यूलिन्स प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, इन्हें गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये संक्रमण रोगों से शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं, अतः इन्हें एंटीबॉडी प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन का 4% भाग बनाते हैं। ये रुधिर स्कंदन में भाग लेते हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। कुछ उत्प्रेरक प्रोटीन यानी कि एंजाइम भी प्लाज्मा में होते हैं। इसमें पचे हुए पदार्थ जैसे ग्लूकोज, वसा, वसीय अम्ल, फास्फोलिपिड, न्यूक्लियोसाइड, विटामिन, कोलाइड्स आदि होते हैं जिन्हें शरीर की कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार लेती रहती हैं। इसमें उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, आपका क्रिटिनिन और क्रिटीन होते हैं और आपके कुछ गैसें भी होती हैं जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कुछ हार्मोन्स भी इसमें होते हैं जो कि अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में भेज दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।